सबसे पहली तो खुशखबरी ये है कि जो केवाईसी काउंटडाउन के प्रति जो आपका रुझान या जो भी सवाल है या जो समस्याएं आपके चिंता जो आपके दिमाग में है उसको तत्काल प्रभाव से खत्म कर दीजिए। केवाईसी काउंटडाउन या जो रिक्वायर्ड नंबर था वो अचीव किया जा चुका है, कल की मीटिंग में ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है। तो अब आपका ये सवाल कि वो सर केवाईसी बड़ा धीमे धीमे चल रहा है, बड़ा हौले हौले चल रहा है, अरे सर वो केवाईसी तो देखिए आज दिन में इतने ही हुए कल इतने हुए, तो वो सब सवाल अब बेमानी हो जाएंगे, उस पर फुल स्टॉप लग जाएगा और वो टोटल के टोटल केवाईसी जो है वो टारगेट अचीव हो चुका है। और यहाँ पे मैं बताते चलूं आपको कि जैसे शुरुआत में भी कंपनी हमेशा ही आगे बढ़ के हम लोगों की मदद के लिए आती रही है। पहले भी एक बार 10 लाख केवाईसीज एक साथ कम हुए थे, फिर उसके बाद कंपनी का जब वो मदर मदर कैंपेन्स आया उसमें 1:1 का उन्होंने मदद करने का वो किया था। अभी लेटेस्ट जो है फिर कंपनी ने एक कदम आगे बढ़ाया, मदद का हाथ बढ़ाया और जितने भी जो रिमेनिंग केवाईसी इस समय 2.5 लाख या 3.75 लाख के आसपास जो बचे हैं उसमें कंपनी ने अपनी तरफ से 2 या 3 ऐसे लोगों को ढूंढा जिन्होंने इकट्ठे करीब 3.5-4 लाख केवाईसी खरीद लिए हैं। तो अब ये केवाईसी की समस्या जो है आपकी खत्म हो गई है। अब बल्कि जो टारगेट जो था 3 मिलियन का अब 3 मिलियन से भी ज्यादा हो गया है। इनफैक्ट तो 2.5 लाख के आसपास रिक्वायर्ड थे तो उससे ज्यादा जो है वो केवाईसी वाउचर्स उन्होंने ले ले चुके हैं। अब इसी के चलते वो बेनिफैक्टर्स प्रोग्राम है। ये बेनिफैक्टर मतलब या एक सरल आसान भाषा में अगर कहूं कि इनको अगर मैं फाइनेंसर कहूं कि भाई इन्होंने फाइनेंसर के तौर पे ये पूरे इकट्ठे केवाईसी अपना ले लिए हैं और अपनी पूंजी वहां पर लगाई है। तो वो जो फाइनेंसर है जो कंपनी है वो हम सब लोगों से ये आग्रह कर रही है, अपील कर रहे हैं कि आपके पास ऐसे जो लोग हों जो अपना केवाईसी के पैसे देने में असमर्थ हैं, या किसी कारणवश अभी तक नहीं कराई है उन्होंने केवाईसी, या आपके लाख समझाने के बावजूद भी अभी तक लोग नहीं माने, कोई ना कोई बहाना करके अभी तक केवाईसी नहीं कराए हैं, ऐसे लोगों का केवाईसी का जो पेमेंट है वो फाइनेंसर करेगा। आपके पास जितने भी ऐसे लोग हों वो सब के सब आपको उसको फाइनेंसर को देने होंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि वो उस फाइनेंसर के नेटवर्क में जाके लगेंगे, वो आपके नेटवर्क में नहीं लगेंगे, आपकी आईडी के नीचे वो प्लेसमेंट नहीं होगा। मान लीजिए आपने 100 ऐसे लोगों को वहां पे दिया और उनका प्रॉपर केवाईसी वगैरह उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब ठीक ठाक अवस्था में होने चाहिए, सारी चीजें हुई, तो उनके 100 लोगों के जो केवाईसी का जो पेमेंट है वो उसका खर्चा पूरा वो फाइनेंसर वहन करेगा। अब उन 100 लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि वो कम से कम 3 लोग जरूर अपने साथ लगाएं। मतलब ये कि 100 लोग वो और 3 3 लोग और वो लेके आए। कोई भी बंदा ऐसा गया तो 1+3 यानी कि एक तो उसकी स्वयं केवाईसी के पैसे फाइनेंसर ने दे ही दिए, उसके साथ उससे कहा गया कि 3 लोग और लगाइए, उन 3 लोगों की भी केवाईसी के पैसे वो फाइनेंसर वहन करने वाला है। मतलब एक अगर व्यक्ति आ रहा है और 3 लोगों को जोड़ा तो टोटल 4 केवाईसी वाउचर्स वो प्रोवाइड करेंगे आपको। अब ये जो है जब आपकी इनकम शुरू होगी निकट भविष्य में तो वहां पे उसके बाद वो डिडक्शंस हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल आपको कुछ नहीं देना, टोटल सारा का सारा खर्चा वो फाइनेंसर ही देने वाला है। तो इस तरीके से पूरे विश्व भर में ये एक ऐसी मुहिम है, इसमें जो भी ऐसे लोगों को आप जोड़ना चाहें जैसे कि 18 साल के ऊपर के स्टूडेंट्स हैं, गरीब लोग हैं, जैसे भी कोई भी ऐसे लोग हैं जो नहीं इस समय परिस्थिति उनकी अलाउ कर रही है, तो ऐसे लोगों को आप कहिए कि भैया ठीक है आप आइए अपने साथ 3 लोगों को लेके आइए, आपका सारा खर्चा जो है वो कंपनी देगी, वो बाद में जब आपकी इनकम होगी उसमें से डिडक्ट किया जाएगा। तो ये एक ऐसा बेनोवलेंट बेनोवलेंट मतलब कि एक ऐसा परोपकारी कदम है जो कंपनी ने फिर एक बार उठाया है। और हम लोग का जो एक जो हर्डल था जो टारगेट था उस टारगेट को हम लोग पार कर चुके हैं।
वो 30 लाख का जो एक फिगर दिखती थी वो फिगर अब समझिए कि खत्म हो चुकी है। अब आप घड़ी घड़ी ये सवाल मत करिए कि सर ये स्लो क्यों चल रहा है, कि नहीं चल रहा है, कि कैसे है, कि क्या है, वो चीज जो है खत्म हो चुकी है। दूसरी चीज, ये बेनिफैक्टर प्रोग्राम के साथ साथ इसकी पूरी जो जानकारी आएगी वो समय अनुसार आप तक पहुंचाते रहेंगे हम लोग, वो जैसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन होगी। तो दूसरा जो कार्यक्रम शुरू होना है वो मार्च के इसी महीने में शुरू होना है, ये डेमो वाला प्रोजेक्ट। आपका जो पायलट प्रोजेक्ट है उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। वो पहला जो एप्लीकेशन होगा वो वेब बेस्ड एप्लीकेशन होगा, यानी कि आपकी आईडी के ऊपर ही वो खुलेगा और आईडी के ऊपर ही आपको वो विज्ञापन देखने होंगे, उनसे वैलेट में अमाउंट भी जनरेट होगा, लेकिन वो डमी अमाउंट होगा, वो डमी एड्स होंगे, डमी अमाउंट होगा। वो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाने के लिए है, आप प्रैक्टिस कर लीजिए उसमें किस तरीके से आपको विज्ञापन देखने हैं। आपने बीच में कोई मिस कर दिया तो उसका क्या नतीजा होता है, आपने एक चार 10-15-20 देखे उसके बाद फिर कुछ हो गया फिर क्या होता है, तो ये इस तरह का आइडिया हो जाएगा आपको। प्लस आपके वॉलेट से वो किस तरीके से आपको विड्रॉल मारना है, कैसे कैलकुलेशंस करने हैं, इसकी जो है पूरी प्रैक्टिस आपको हो जाएगी। फिर उसके बाद जब ये बिल्कुल ओके हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही अमाउंट जा रहा है, सारी चीजें सब ठीक ठाक है, फिर वो प्ले स्टोर पे लोड किया जाएगा, वहां से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसी महीने में आपकी जो 48 यूरो के डिडक्शन के एवज में जो डिजिटल मैगजीन्स आपको मिलने वाली थी, वो 5 डिजिटल मैगजीन्स भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। वो सभी के लिए, फिलहाल पहला जो संस्करण होगा उसका वो सभी के लिए होगा, जितने भी लोग हैं उन सब के लिए उपलब्ध होगा। उसमें जितने हमारे परफॉर्मर्स हैं, जितने भी चीजें हैं, उन सब की जानकारी होगी, प्रोफाइल की सबकी जानकारी होगी, प्लस कंपनी के जो पहले क्या करते रहे, वर्तमान में क्या कर रहे हैं और भविष्य में हमारी क्या परियोजनाएं हैं, कैसे विस्तार और कैसे एक्सपेंशन होने हैं, क्या क्या सोच रखा है कंपनी ने, उन सबकी बहुत बेहतरीन और शानदार उसमें जानकारी आपको मिलेगी। ये काम जो है तत्काल प्रभाव से होने हैं। अब आपको कुर्सी की पेटी बांध लेनी है, विमान रनवे पे आ चुका है, उड़ान के लिए तैयार है। अब आपके सारे सवाल जो हैं वो यहीं पे विराम उनको लग जाएगा। इसके साथ जो बैंक्स का एक इंटीग्रेशन की जो समस्या थी उसको भी सुलझाया जा चुका है। पहले एक ऐसी इकलौती एक ही बैंक ऐसी ढूंढी जा रही थी जो पूरे विश्व भर में सबको पे आउट दे सके, तो ऐसा संभव नहीं हुआ, काफी मेहनत मशक्कत के बाद भी ऐसा नहीं हो पाया। तो अब 2 या 3 बैंक से करार हुआ है, तो उसमें अब आपको वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड जो सॉरी डेबिट कार्ड ही जो मिलने थे पहले, वो डेबिट कार्ड भी अब डिस्पैच होना शुरू हो जाएंगे, उनकी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। तो साथ में विड्रॉल तो आप अपने बैंक अकाउंट में ले ही सकते हैं, साथ साथ जो आपको डेबिट कार्ड मिलेगा इसके साथ एक नए तरीके का कार्ड और भी आएगा, उसको कहते हैं प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है जैसे कि कोई भी कंपनी अपने लोगों को वो कार्ड दे सकती है और उसके अंदर आपका पूरा पे आउट या आपके जितने भी कमीशन हैं, जितनी भी इनकम है, वो उसमें लोड कर देते हैं। उस कार्ड को आप कहीं भी किसी भी एटीएम से कहीं जाके आप निकाल सकते हैं। उस कार्ड की विशेषता ये है कि उसके लिए आपका कोई बैंक अकाउंट होना जरूरी नहीं है। अगर कोई बैंक अकाउंट नहीं भी है आपका तो उस कार्ड के माध्यम से आप अपना वो एटीएम मशीन से निकाल सकते हैं। तो ये एक नया एडिशन है, डेबिट कार्ड्स और इनके साथ साथ एक प्रीपेड कार्ड भी मिलेंगे। और इसके बाद बाकी जितनी प्रक्रिया जो इस समय चल रही है उसमें कंपनी का जो बैक ऑफिस का जो मैनेजमेंट है वो तो एम्पायर स्टेट संभाल ही रहा है, सारी चीजें वहां पे सुचारू रूप से बिल्कुल मजबूत व्यवस्था सारी है ही है। और मेन मेन जो मुद्दा था वो यही था केवाईसी और इनका बेनिफैक्टर्स प्रोग्राम का, प्लस डेबिट कार्ड और इन सब चीजों का, आपकी जो डिजिटल मैगजीन से वो आ ही जाएंगी। अब मेरे ख्याल से भली भांति आप लोगों को ये तो महसूस कम से कम हुआ होगा कि कंपनी भी उतनी ही शिद्दत से, उतने ही आतुरता से ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्यक्रम शुरू किया जाए। अगर आप शुरू से लेके अभी तक अगर कैलकुलेशन करें तो पहले उन्होंने 10 लाख की मदद की थी, फिर उसके बाद 1:1 के रेशियो में मदर ऑफ ऑल कैंपेन्स में उन्होंने मदद की, फिर उसके बाद अभी जो है वो 2.5-3 लाख
केवाईसी की मदद की, तो ये जरूर आपको कम से कम तारीफ करनी होगी कि कंपनी ने भी आगे बढ़ के हमारी मदद के लिए हमेशा हाथ उठाया है। जब जब भी कोई समस्या आई है तो ऐसे में हमेशा उनका सामना बिल्कुल उन्होंने करने के लिए, हमारी मदद करने के लिए हमेशा पीछे खड़े रहे। तो ये इस तरीके का एक समूह है जो बड़े मानवीय मूल्यों और बहुत ही परोपकार की भावना से ओतप्रोत और इस तरीके के कार्यकलाप को अंजाम हम लोग देना चाहते हैं। तो ऐसा अभियान, बल्कि महाअभियान कहूंगा मैं इसे, इसमें शिरकत करके इसका हिस्सा बन के आपको गर्व महसूस होगा। एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, और आगे आने वाले समय में तो हमारे क्लब्स वगैरह और इन सब की भी स्थापना होने वाली है, प्लस और बहुत सारी इनकम्स में भी इजाफा होने वाला है। तो ये मोटा मोटा जो है कल की मीटिंग्स में ये एक रूपरेखा बताई गई थी। उम्मीद करता हूं कि आपकी आज जो है थोड़ा खुशी महसूस हुई होगी, थोड़ा सा किसी के मन में थोड़ा सा भी शंका ऐसी अगर रही होगी तो वो शंका भी आज समाप्त हो गई होगी। अब